बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति लोगों को खूब पसंद आता है, जिसके चलते टीआरपी में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहता है। इस शो से जुड़ी कई दिलों को छू लेने वाली कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन किसी की याददाश्त लौट आए ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। दरअसल यूट्यूब स्टार भुवन बाम के पिता की इस शो के जरिए याददाश्त वापस आ गई है और उन्होंने खुद इस बात की जानकारी ट्विटर के जरिए दी है और लिखा है, अमिताभ बच्चन और केबीसी के मेकर्स को मेरा तहे दिल से शुक्रिया। शो में पूछे जाने वाले सवालों की वजह से मेरे पिता को उनके अतीत की बातें याद आ गई, जो उनकी ब्रेन सर्जरी के बाद भूल गए थे। शो को लेकर उनकी दिलचस्पी ताजा हवा के झोंके की तरह है और हमें आशा देती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भुवन ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उनके पिता केबीसी देख रहे हैं। बता दें कि हाल ही में भुवन बाम के पिता की ब्रेन की सर्जरी हुई थी, इस वजह से उनकी याददाश्त चली गई थी। वहीं बात करें भुवन बाम की, तो वो एक यूट्यूब आर्टिस्ट हैं जिनका बीबी की वाइंस नाम से एक यूट्यूब चैनल है। बताते चलें कि भुवन भारत के पहले यूट्यूब आर्टिस्ट हैं जिनके 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। यूट्यूब पर वीडियो बनाने के अलावा भुवन ने प्लस माइंस नाम की फिल्म में एक्ट्रेस दिव्या दत्ता के साथ काम भी किया है। वहीं भुवन गाने भी गाते हैं, संग हूं तेरे, तेरी मेरी कहानी, सफर और रह गुजर जैसे गाने भी उनके फैंस के बीच काफी फेमस हैं।